गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर को किस टाइप से किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दो स्फीयर लेने हैं, एक अंदर वाला स्फीयर जिसकी रेडियस है a, एक आउटर स्फीयर जिसकी रेडियस है b। हमें एक गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस किसी कंडक्टर के अक्रॉस वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। हमने यहां से यहां तक गॉसियन सरफेस की रेडियस को ले लिया r। अब ध्यान से सुनना, a, a का मतलब है इनर रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, b क्या है? रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, आर क्या है? रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अभी अभी मैंने आपको बताया, इस कंडक्टर के आसपास का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, उन पॉइंटों को मिला दो तो हमें एक गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है ये वाला कैपेसिटर, ये वाला जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज है, और इसे किससे अटैच किया गया है? ग्राउंड से। इसे ग्राउंड से अटैच किया गया। अब देखिए, हमें पूरा आर्टिकल गॉसियन सरफेस के टर्म में सॉल्व करना है, उसके बाद लिमिट पुट करनी है ए से बी तक और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी। अब सिंपल सा तरीका है, हमें किसी भी टाइप से वी फाइंड आउट करना है और यहां पे वैल्यू पुट करनी है। एक बात बताइए, वी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डीवी, वी अपॉन डी बताया गया था, लेकिन अगर इसमें चेंज हो रहा है और यहां पे रेडियस है डिस्टेंस के टर्म में, तो इसे डीवी अपॉन डीआर लिखा जा सकता है। तो ये बताइए डीवी कितना हो जाएगा? डीवी हो जाएगा ई डी आर। ठीक है, तो कहने का मतलब वी निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। अब दिक्कत यह है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें वी चाहिए, वी निकालने के लिए हमने ये वाला स्टेप लिया, तो यहां पर हमें ई की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ध्यान से सुनना, हमने यहां पे कोई सरफेस ले लिया ds, तो सरफेस एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस एरिया इस सरफेस के नॉर्मल होता है, जो कि इस डायरेक्शन में होगा ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है ds वेक्टर के, जिसका मतलब है थीटा इनके बीच में कितना हो गया? 0 डिग्री। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। गॉस थ्योरम क्या होती है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। डॉट हटाना है, तो डॉट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस लगाना पड़ेगा। कॉस, एंगल कितना है इनके बीच में? 0 डिग्री। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये बताओ ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू, ये बताइए ये सरफेस एरिया था ds, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जिसकी सरफेस एरिया टोटल कैसे निकालोगे? अगर इस स्फीयर की रेडियस r है तो सरफेस एरिया आएगा 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कैसे लिख सकते हैं? ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये जो वैल्यू आई है इसे यहां पर पुट करिए। डीवी कितना हो गया? डीवी इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। हमें टोटल वी फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड।
दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डीवी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डीआर। आर में कहां से कहां तक चेंज है, आर शुरुआत में है ए के बराबर, बाद में हो जाता है मैक्सिमम लिमिट कह सकते हो बी तक। तो ये हो गया डीवी का इंटीग्रेशन, क्या हो गया बी। कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गए। इसके बाद इंटीग्रेशन ए से बी तक, आर को ऊपर ले जाओ -2 डी आर, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन। एक फार्मूला पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, फार्मूला क्या होता था x की पावर n -1 अपॉन n +1। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो r की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा r की वैल्यू -1 अपॉन -1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। नेक्स्ट स्टेप v इक्वल टू कितना हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। अगला स्टेप ये बताइए, v फाइंड आउट करना है, v कितना हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन अपर लिमिट पुट करेंगे तो b, इसके बाद माइनस करेंगे तो प्लस और फिर 1 अपॉन a। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया b माइनस a अपॉन ए बी। इस टाइप से हमने क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे c इज इक्वल टू q बाई b, v की वैल्यू क्या है q b माइनस a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। तो c का फॉर्मूला कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक बार इस स्टेप में दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। सी होता है क्यू बाई वी, तो यहाँ पे हमें वी फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो डी वी कितना हो गया, ई डी आर। अब यहाँ पर हमें ई की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमने अप्लाई कर दिया गॉस थ्योरम, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए, अगर ये डी एस सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल होता है जो कि यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, तो दोनों में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। इसे सॉल्व कीजिए, डॉट को हटाइए तो कॉस 0 लगा दिया, सॉल्व किया ई तो बाहर आ गया, डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस क्या होता है, स्मॉल सरफेस एरिया। अगर हम इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा, अगर रेडियस आ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर अपन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने ई निकाल लिया और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसमें पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आ गया, ये जो वी की वैल्यू आई है हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट किया और इसके बाद सॉल्व करने पर यह रिजल्ट आ गया। इस टाइप से हम स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।